शालिग्राम को पाने की चाह हमारी आज से नहीं 50 साल पुरानी। मैंने एक महीने में ही पृथ्वी और सावित्री का दिल जीत लिया था। उसी दौरान राज का जन्म भी हो गया था और फिर मैंने अपना दांव खेला। पृथ्वी को कुछ ऐसा दिखा दिया कि जो सावित्री अकेली कभी हवेली से बाहर पैर नहीं रखती थी, वो मेरे साथ कार में बाहर थी, रो रही थी। और उस दिन मुझे मौका मिल गया मेरे काम को अंजाम देने का। उमा, उमा पृथ्वी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? आप मत रोइए दीदी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप देखना सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। उमा, भैया फेंक दो इसे खाई में। ये कौन है? सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? भैया, कालासुर भैया, और मैं उनकी प्यारी बहन। अब मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है जिसके लिए तुझे मरना होगा। ये तो कहानी का मध्यांतर था। अब आगे की कहानी सुन। राज की मां को मारने के बाद मैंने राज की जान बचाने का नाटक किया। चार आंसू आए, चार लोगों के दिल जीते, फिर मैं उसकी आया बन गई। फिर एक रात पृथ्वी को मेरे प्यार के जाल में फंसा के मैंने उससे शादी कर ली और बन गई उसकी पत्नी और राज की मां। माँ से याद आया, तेरी माँ सुहासिनी, उसे भी मैंने ही यहाँ बुलाया था उसे शालिग्राम हासिल करने के लिए, पर वो दुर्गा का अवतार लेके मेरे भाई के 3 टुकड़े कर दिए। पच्चीस साल तेरी माँ की वजह से मेरे 25 साल बर्बाद हुए। 25 साल तेरे पति और उसके खानदान के साथ मुझे रहना पड़ा। एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक करना पड़ा। You know how boring is that? जब भी मैं शालिग्राम पाने के करीब होती हूँ तब तू और तेरा पूरा खानदान मेरा प्लान चौपट करने आ जाते, सब कुछ बर्बाद करने आ जाते हैं, जैसे कि आज। मैं बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। तुझे मेरा सच पता चल गया, तेरे सामने मेरी पूरी सच्चाई आ गई। अब मेरा क्या होगा? आ, आ, आ। वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में आई? क्योंकि मुझे पता है मेरी सच्चाई जानने के बाद भी तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो शालिग्राम तू मुझे लाकर देगी। मुझे शालिग्राम लाके दे वरना क्या? अब राज को मार देगी। तू कितनी समझदार है। वाह,
वाह, मजा आ गया। कहाँ है फोटोग्राफ लो दिखाओ मुझे। पापा जी मुझे वो फोटो नहीं मिली, पता नहीं मैंने अपने कमरे में ही रखी थी। वो फोटो कहाँ गायब होगी? मैंने पूरे घर में ढूंढा पर मुझे नहीं मिली। घर से कहाँ जाएगी, घर पे ही होगी। हम जब यहाँ से चलेंगे तब ढूंढ लेते हैं। राज, राज क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बिना वजह के झगड़ने लगते हो, छोटी छोटी बात का इश्यू बनाते हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हो। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो राज? क्या हुआ है तुम्हें? राज मैं यहीं खड़ी हूँ, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है तुम्हें? जवाब चाहिए तुम्हें? चाची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो यहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुम घर चली गई। क्यों, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था? बोलो, जवाब तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए ना गौरी। तो बोलो क्यों गई थी घर? राज वो मैं क्या? क्या वो जवाब नहीं या देना नहीं चाहती, या कोई और बात है जो छुपा रही हो, बताना नहीं चाहती? ये प्रॉब्लम है। पति और पत्नी ना हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं गौरी। दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं होती जो दूसरे को नहीं पता होती, लेकिन यहाँ बहुत कुछ होता है जो मुझे नहीं पता होता, सिर्फ तुम्हें पता होता है। तो तुम अगर कुछ शेयर नहीं करना चाहती तो जाने दो ना, खत्म कर दो। ढूंग नहीं करना मुझे रिश्ते का गौरी। मेरे पास कई सारे सवाल है और तुम्हारे पास जवाब है नहीं, तो इट्स बेटर कि हम दोनों बात ही नहीं करें। ओके राज, राज आई विश मैं तुम्हें सब बता पाती राज, बट आई एम सॉरी। तुम पहले से ही इतनी तकलीफों में उलझे हुए हो, तुम्हें और नहीं उलझाना चाहती। गौरी आई एम सॉरी, आई नो बिना किसी बात के बातों बातों में उलझा रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत तकलीफ दे रहा हूं, इतना दर्द दे रहा हूं, पर मेरे साथ रहने का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। तो इट्स बेटर कि ये छोटे छोटे दर्द बर्दाश्त कर लो और धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर चली जाओ तुम। क्या हुआ, आपने मुझे पहचाना नहीं दीदी? कौन है तू, सच बता कौन है तू? दीदी मैं कालासुर की वो मददगार हूँ जिसे कालासुर ने खुद आपकी रक्षा के लिए चुना है। आप कालासुर की बहन है ना, तो आप मेरी भी बहन जैसी हुई। सॉरी दीदी, अब वही होगा, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। मैं कालासुर की पुरानी साथी हूँ, मेरी काली शक्तियाँ आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगी। तो फिर तूने गौरी बनके डराया क्यों मुझे? वो क्या है ना, रूप बदलना और जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ ना, हंसते हंसते उसके जड़ तक पहुँचना, ये मेरी पुरानी आदत है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ सारा कुछ संभाल लिया। और हाँ, वो सावित्री है ना जिसे आप चारों तरफ ढूंढ रही है, वो भी मेरे ही पास है। क्या, हमारे पास? कहाँ है वो? पापा जी थैंक यू बेटा। पापा जी मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही है। बेटा मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई, मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, अब तक उसको आ जाना चाहिए था। मैं फोन भी मिला रहा हूँ, नहीं मिला। मंदिर में माँ को इतना वक्त कैसे लग गया? माँ अगर मंदिर ही गई होती तो अब तक वापस आ जाती। लगता है माँ मंदिर के बाद कहीं और चली गई है। पर मीनाक्षी चाची को हॉस्पिटल में इस हालत में छोड़ के माँ और कहाँ जा सकती है? बड़ी ढीठ जाने है तू, पक्की ठाकुरों की बहू। मुझे तो लगा था मैंने खाई से फेंक दिया, मार दिया, मर चुकी होगी। 25 साल के बाद श्रद्धांजलि भी हो गई होगी, पर नहीं,
तू वापस आ गई, तू फिर से आ गई मेरा मेरा पूरा प्लान को चौपट करने के लिए। ऐसे अचानक क्यों आई तू? क्यों? उमा, सच्चाई छिपती नहीं है, वो कभी ना कभी वापस जरूर आ जाती है, और वो भी अचानक। इसलिए मैं भी वापस आ गई। 25 साल पहले उन्हें जब मुझे धक्का दिया था तो मेरी जान तो बच गई, लेकिन लेकिन मेरी याददाश्त चली गई। महीनों तक मैं बेहोश रही। भगवान ने एक माँ को बराबर का दर्जा दिया है उमा, इसीलिए एक दिन चमत्कार हुआ और मेरी याददाश्त वापस आ गई। इसीलिए मैं भी यहाँ वापस आ गई, अपने अपने घर, अपने परिवार वालों से मिलने, अपने बेटे से मिलने। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने देखा कि तूने तो मेरे बेटे और बहू को खाला सुड़की बनाए हुए उस जाल में फंसा कर रखा हुआ है। और तब भी तुझे अक्ल नहीं आई। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं अपनी याद आई हुई याददाश्त को भुला के दुनिया के किसी कोने में जाके अपनी बची कुची जिंदगी जी लेती। कम से कम मौत तो इतनी भयानक नहीं होती। यही तो बात है ना उमा, तू मेरी जगह नहीं है और मैं तेरी जैसी नहीं हूँ। तूने तो माँ का सिर्फ झूठा चोला पहन कर रखा हुआ है, लेकिन उमा मैं एक माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे डर कर चिप रही थी। मैं सिर्फ इसलिए चिप रही थी क्योंकि क्योंकि मैं तेरे डर को जानना चाहती थी और तेरी सच्चाई सबके सामने लेकर आना चाहती थी। अगर मैं ऐसे तुम सबके सामने आ जाती तो पता नहीं तुम लोग मेरा क्या करते। अपने काले जादू का इस्तेमाल करके मुझे मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए मैं पहले कोहरी से बात करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। पर अफसोस, तेरी ये कोशिश है ना, कोशिश ही रह जाएगी। तू तेरे बेटे और बहू से कभी नहीं मिल पाएगी। अरे 25 सालों से जिस घर में तेरे नाम का जिक्र तक नहीं हुआ, तुझे क्या लगता है वहां जाके तू अगर मर भी गई तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तेरे मरने के बाद मैंने पृथ्वी से शादी की, तब राज बहुत छोटा था, तब से वो मुझे माँ मानता है। और मैंने सभी घर वालों से ये वचन लिया कि ना कोई तुझे याद करेगा और ना ही कोई तेरा नाम लेगा। मुझे तो लगता है किसी को तेरा चेहरा याद नहीं होगा। इस घर में राज और बाकी बच्चों को ये नहीं पता है कि मैं राज की सौतेली माँ हूं। सिर्फ तेरी ये चली हुई तस्वीर तेरे होने की आखिरी निशानी है जो अब नहीं बचेगी। भी लगता है तू तीर मार लेगी। मेरे बरसों का बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। उमा, तुम नहीं समझो। कितना लंबा लेक्चर दे रही हैं आप, कान पक गए मेरे, पता है? अरे इसको मार के इसका काम खत्म करते हैं ना। हाँ अम्मी, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ सभी। ऐसे ठोक बजा के ऊपर वाले के यहाँ भेज, ये कभी वापस ना आए। आएगा कुछ मजा। इतनी टाइम से बैठी हूँ, कुछ करने को ही नहीं था। Let's have some fun. मम्मी जी, अवनी, मम्मी जी।
आएगी मम्मी जी, मम्मी जी, अवनी, अवनी, किचन में अवनी नहीं है, मम्मी जी भी नहीं है, मम्मी जी शायद रूम में होगी, मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं आवाज देके उसे यहाँ बुलाऊंगी? पर ये यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे कैसे पता होगा? मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी का फोन तो यहाँ घर में ही रिंग हो रहा है। ये तो मेरी फोन की रिंग है, ये गौरी के कमरे में, मुझे जाना होगा। सुनो, इसे यहीं अंदर रखना और जब तक मैं ना कहूँ कुछ मत करना। अरे मम्मी जी का फोन तो यहाँ घर में ही बज रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कब से आवाज दे रही थी, मैं कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपका फोन लगा, मुझे आवाज सुनाई दी, पर आपको ही दिखाई नहीं दी। पता है मैं कितना घबरा गई थी? मैं भी बहुत डर गई थी गौरी, यहाँ फोटो लेने आई थी तो मुझे बहुत टेंशन हो गई और मैं यहाँ आ गई। मम्मी जी, आप टेंशन क्यों ले रही थी? मैं आ ही रही थी ना। टेंशन कैसे नहीं लेती, मीनाक्षी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और जब तू वापस ही नहीं आई तो मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं इसके लिए तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। बेटा, हमें भगवान ने ऐसे ही बनाया है, थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो दिल दहल जाता है। और तू अपने आप को ही देख, जब तुझे यहाँ फोटो नहीं मिली तू वापस हॉस्पिटल चली गई, और हॉस्पिटल जाके जब तूने मुझे नहीं देखा वहां तो तू मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई ना। मम्मी जी चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं गौरी, नहीं, मैं हॉस्पिटल अभी नहीं जाऊंगी। मैं मीनाक्षी को इस हालत में नहीं देख सकती गौरी, उसकी होश में आती मैं जाऊंगी उसे देखने, पर अभी नहीं, तू जा। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। गौरी, मेरी ये मोहब्बत, ये ममता देखिए अच्छे अच्छे पिघल गए। इसी ममता के सहारे मैंने अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। और अब जब मेरी बरसों की मेहनत रंग लाने वाली है तो इस बार मैं तुझे इस रंग को बेरंग नहीं करने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।